हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और उत्तर भारत में तो मानसून आ चुका है, तो रात से बारिश जोरों पर है। और आप सबका यानी कि हम सबका मन चाय पकौड़े खाने का हो रहा होगा। बहुत लोगों ने बना भी लिया होगा और मेरा भी मन था कि कुछ पकौड़े बनाएँ या क्या बनाएँ, कुछ चटपटा खाया जाए। तो आज इसी कड़ी में मैं बना रही हूँ प्याज की कचौड़ियाँ। और क्योंकि व्लॉगिंग हो नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा चल फिर पा नहीं रहे हैं, और व्लॉगिंग में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो मोमेंट है वो कैप्चर करते हैं, तो वो हो नहीं पा रहा है। और एक जगह बैठ के व्लॉगिंग हो नहीं सकती है, तो यही हो सकता है कि किचन चलें और किचन में जो हो रहा है वो आपके साथ शेयर करें। तो चलिए कचौड़ियाँ बनाते हैं। तो सबसे पहले कचौरियों के लिए भरावन तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए तेल गरम हो गया है मेरा, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है थोड़ा सा, और एक चुटकी हींग डाल देंगे। और प्याज कटा रखा है, प्याज डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, लेकिन हाँ इतना करना है कि हल्का मुलायम हो जाए, जिससे वो कचौरियों से बाहर ना निकले। तो इसको पका लेते हैं। यहाँ मेरी गैस बंद हो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला, मैं अपना चलाती जा रही थी, या फिर मैंने ही बंद कर दिया, मुझे याद नहीं है। गैस मैंने फिर ऑन कर ली और प्याज धीमी आँच में पका लेते हैं। बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो भरावन के लिए तैयार हो जाएगा। प्याज थोड़ा जल्दी पक जाए इसके लिए इसमें नमक डाल लेते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नमक हम आटे में भी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा हिसाब से ही नमक डालेंगे इसमें। अच्छे से चला लेंगे और बहुत थोड़े से मसाले डालने हैं, बहुत ज़्यादा मसाले डालने नहीं हैं। बस इसमें हम डाल देंगे एक, या बड़ा चम्मच है तो एक, छोटा है तो 1.5 चम्मच धनिया। और यहाँ मैंने 1.5 चम्मच धनिया ली है, और इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डालना है, डाल के अच्छे से मिला लेंगे। और क्योंकि हरी मिर्च आप चाहें तो डाल सकते हैं, मेरे घर में कुछ लोग मिर्च नहीं खाते हैं, तो और वो आ जाती है जब जीभ में उसका टेस्ट, तो फिर काफ़ी हंगामा होता है, बहुत तीखा बना दिया, बहुत तीखा बना दिया। तो मिर्च मैंने स्किप कर दी और इसकी जगह पे थोड़ी सी 1/2 चम्मच छोटा चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे। ये सब में मिक्स हो जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा। और ये देखिए लगभग लगभग गल गया है हमारा प्याज, पक चुका है, तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला मिला लेंगे। अगर चाट मसाला आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिला लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जी हाँ, इसमें पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बेसन। बेसन डाल लेंगे और बेसन डाल के थोड़ी देर भून लेंगे,
इससे कच्चापन ना रह जाए बेसन का, और इससे प्याज इधर उधर भागता भी नहीं है और स्वाद भी बहुत सोंधा और बढ़िया हो जाता है। बेसन डालने के पहले मैंने गैस बंद कर दी थी और बेसन डाल के चला के फिर गैस ऑन कर दी, जिससे जले ना बेसन, अच्छे से पक जाए। बस भरावन हमारा तैयार हो गया है और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर, तो ठंडा हो जाएगा और फिर बनाने में आसानी रहेगी। और अपना अब हम आटा तैयार कर लेते हैं। आटे में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक हमारा भरावन में भी डाला था हमने, तो थोड़ा सा डालेंगे इसमें आटे में, और थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा सा तेल डाल लेंगे मोयन के लिए, इससे कचौरियाँ खुश बनेंगी। बहुत थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, आप चाहें तो ना भी डालें, ऐसे टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता है। बस आटा हमारा तैयार हो गया, थोड़ा सा तेल ऊपर से लगा के इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। तेल के थोड़ी कचौरियाँ तैयार कर लेंगे, और फिर तेल इधर मेरा गर्म हो रहा है, तेल के थोड़ी कचौरियाँ रख लेंगे, पहले थोड़ी देर धीमी आंच में फिर आंच तेज करके पका लेंगे। और बस गर्मा गर्म कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। इसे आप चाहे तो दही के साथ खाएं, चाहे तो मीठी चटनी के साथ खाएं, दही बड़े के साथ खाएं, जिसके साथ मन हो आप, और कुछ भी नहीं है तो बस ले लीजिए, उठा लीजिए हाथ में और गरम गरम चाय के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और मेरे वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू सो मच।